हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2024। ये बाइक्स लॉन्च के लिए कंफर्म हो चुकी हैं, उनकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है इंडियन मार्केट में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसी टॉप 5 बाइक जो इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इन बाइक में क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, ये बाइक अलग अलग कैटेगरी की है अलग। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप बाइक को बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लेकिन पहले जरूर कर देना क्योंकि हम ऐसी वीडियो डेली आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर जो बाइक आती है, इस बाइक का काफी ज्यादा इंडियन मार्केट में वेट किया जा रहा है, वो है हीरो की एक्सपल्स 400। ये बाइक एक एडीवी कैटेगरी की बाइक है। इस बाइक को काफी ज्यादा उस पर इस बाइक की टेस्ट राइड करी जा रही है, लेकिन इस बाइक को अभी भी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। ये बाइक 204V से काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। ये बाइक में फीचर जो मिलेंगे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक्सपल्स 200 से भी ज्यादा फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि एक 400cc सेगमेंट की एडीवी बाइक है। दोस्तों इस बाइक में आपको 350-400cc का इंजन देखने को आपको सिंगल सिलेंडर मिल जाएगा, जिसमें आपको लिक्विड कूल इंजन प्रोवाइड करेगी हीरो की तरफ से दोस्तों, जो कि आपको 35 से लेकर 40 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी। इसका सस्पेंशन में आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जाएंगे। रियर की बात करूं, इसमें आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा रियर में। और इस बाइक में आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा, सेम आपको एक्सपल्स 200 की तरह। इस बाइक में आपको सारे फीचर सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको 6-speed का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इस बाइक में फीचर की बात करूं तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जो कि स्विचेबल रहने वाला है। इस बाइक में आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा और इस बाइक में आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा विद एक्टिविटी फीचर्स के साथ। इस बाइक में आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ADV कैटेगरी की बाइक है, इस बाइक में आपको स्पोक व्हील इसलिए मिलेंगे क्योंकि स्पोक व्हील काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा मजबूत होते हैं व्हील्स के मुकाबले। और इस बाइक का कर्वेट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 180 से लेकर 200 kg का। इस बाइक में आपको 250mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। और इस बाइक में आपको 835 से लेकर 900mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक में आपको 50 से लेकर 18 लीटर का टैंक फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इस बाइक का माइलेज जो रहेगा अप्रॉक्स वो रहेगा 30 से लेकर 35 के MPL का। और इस बाइक की लॉन्च डेट की बात और प्राइस की दोनों की बात करूं मैं अब, तो इस बाइक 24 के क्वार्टर में इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस बाइक के प्राइस रहने वाले हैं 270,000 से लेकर 280,000 अप्रॉक्स इस बाइक के प्राइस रखे जाएंगे। तो अगर आप एक ADV कैटेगरी बाइक को बाय करने का सोच रहे हो तो इस बाइक के लिए आप वेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक की, तो वो है यामाहा की बाइक्स। दोस्तों यामाहा की बाइक्स 3 बाइक पेंडिंग में है ऑलरेडी और इन बाइक्स के प्राइस काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि यामाहा की सारी बाइक्स के प्राइस हाई है इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये बाइक मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्री होती है। इन बाइक की मैन्युफैक्चर इसी बाइक से, इन बाइक की ओवर प्राइस रहती है हमेशा से। काफी ही टाइम से यामाहा अपनी 3 बाइक्स को काफी बार रिवील कर चुका है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी उन बाइक को लॉन्च नहीं किया गया है। वो बाइक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो बाइक्स है MT-03, यामाहा R7 और MT-09। पहले से आपको पता है इन सारी बाइक की डिटेल्स, तो मैं डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको लॉन्च डेट और प्राइस मैं आपको बता देता हूँ तीनों ही बाइक की। तो ये बाइक आपको 2024 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च होने को देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों इन बाइक के प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, तो MT-09 के जो प्राइस रहेंगे वो रहेंगे 12 लाख से 15 लाख प्रॉक्स, और MT-07 के जो प्राइस रहेंगे वो रहेंगे 8 लाख से लेकर 9 लाख के आसपास। दोस्तों यामाहा R7 के प्राइस जो रहेंगे वो रहेंगे 10 लाख के आसपास। तीनों ही बाइक काफी ज्यादा ओवर प्राइस रहने वाली है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको तीनों ही बाइक के प्राइस कैसे लगे। दोस्तों बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तीनों ही बाइक के ओवर प्राइस, इन बाइक की सेल कितनी होगी इंडियन मार्केट में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक की तरफ, तो वो होंडा की तरफ से है। दोस्तों ये बाइक भी काफी ज्यादा वेटिंग में रखी गई है। इस बाइक का नाम है होंडा CL500। ये बाइक 3rd और 4th क्वार्टर में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी 2024 में। इस बाइक में आपको इंजन मिलेगा 470cc का बेक्स इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको लिक्विड कूल देखने को मिलेगा ट्विन सिलेंडर, और जो आपको मैक्स पावर प्रोड्यूस करेगा वो करेगा 46.2 bhp की। इसका टॉर्क जो रहेगा वो रहेगा 43 Nm का। इसके फीचर्स की बात कर लेता हूं दोस्तों, इसमें आपको 6-speed का गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको राउंड शेप का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी विद कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ। इस बाइक में आपको मॉडर्न रेट्रो स्टाइल का लुक्स देखने को मिल जाएगा, और ये मॉडर्न रेट्रो सेगमेंट की बाइक रहने वाली है। इसके फ्रंट में आपको राउंड शेप की हेडलाइट मिलेगी विद DRL के साथ। इस बाइक का एग्जॉस्ट जो है अपराइट माउंटेड देखने को मिलेगा, जो कि सेम स्कैम्बलर से बेस्ट लगता है देखने में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिल जाएंगे, और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। टायर साइज की बात करूं तो फ्रंट में आपको 110/80 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, और रियर में आपको 150/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। इस बाइक में आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा। चलिए डायमेंशन की बात कर लें,
रहेगा इस बाइक के, तो इस बाइक का कर्व वेट जो रहेगा वो रहेगा 190 kg का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो रहने वाला वो रहने वाला 155 mm का। सीट हाइट जो रहेगी वो रहेगी 790 mm की। फ्यूल टैंक जो रहेगा वो रहेगा 12 लीटर का। इसका माइलेज अप्रॉक्स रहने वाला है 22-25 kmpl का दोस्तों, माइलेज तो आपको बता दिया। चलिए इसकी प्राइस की बात करता हूँ, इसका प्राइस जो रहेगा 5,60,000 से लेकर 6 लाख एक्स शोरूम के आसपास इसका प्राइस रहने वाला है, क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है तो ओवर प्राइस थोड़ी सी रहने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक की तरफ, तो वो है यामा XSR155। बाइक का भी वेट यामा के चाहने वाले कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में काफी टाइम से इस बाइक को डिले किया गया है दोस्तों। इस बाइक के डिजाइन और लुक काफी ज्यादा बेटर है FZ से। ये बाइक भी एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक में आपको यामा R15 V4 से ज्यादा पावर देखने को मिल जाएगी, लेकिन हालांकि इस बाइक का सेम इंजन जो है R15 से ही लिया गया है, लेकिन इसकी पावर थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया इसकी बाइक का एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक है ये दोस्तों, R15 फेयरिंग सेगमेंट की बाइक है और ये एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक है। और इस बाइक के माइलेज की बात करूँ तो 40-45 kmpl का अप्रॉक्स माइलेज निकाल के दे देगी, जो कि काफी अच्छी बात है ऑन रोड दोस्तों। और इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप की LED हेडलाइट के साथ साथ LED DRL देखने को मिल जाएगी। फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको राउंड शेप का ही मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राउंड शेप का मीटर कंसोल ज्यादा बेटर सूट करता है रेट्रो सेगमेंट की बाइक में दोस्तों। और इस बाइक में काफी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी विद कनेक्टिविटी के साथ ये बाइक आने वाली है। और इस बाइक का प्राइस जो रहेगा अप्रॉक्स वो रहेगा 1,80,000 से लेके 2 लाख के आसपास एक्स शोरूम इसका प्राइस रहने वाला है। इसके इंजन की बात करूँ तो 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन रहने वाला है। मैक्स पावर प्रोड्यूस करेगा 19.3 bhp की। इसका टॉर्क जो रहने वाला है वो रहने वाला है 14.7 Nm का दोस्तों। इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, 6 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करूँ इसके फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलेंगे, रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। टायर साइज की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 180 सेक्शन का टायर साइज देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको 147 के टायर साइज देखने को मिल जाएगा। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक से आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट राइड रहने वाली है। हालांकि इसकी सीट हाइट थोड़ी सी छोटी है तो शॉर्ट राइडर को थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। और डायमेंशन की बात करूँ तो इसका कर्व वेट रहेगा 140 kg का। सीट हाइट जो रहेगी वो रहेगी 155 mm की, तो थोड़ी सी कम है। फ्यूल टैंक रहेगा 11 लीटर का। USB चार्जिंग पोर्ट इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। सिंगल सीट आपको मिलेगी। इसमें रियर ग्रैब ग्रिल देखने को मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो सारी की सारी बाइक्स आपको कैसी लगी और आप इन सारी बाइक में से कौन सी बाइक का वेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, और आप इन सारी बाइक में से लॉन्च होने के बाद कौन सी बाइक को बाय करना चाहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।